उज्जैन जिले के खाचरोद थाना अंतर्गत खाचरोद में हो ऑक्सीजन प्लांट, सांसद अनिल फिरोजिया। खाचरोद के सिविल हॉस्पिटल और पद्मावती हॉस्पिटल का औपचारिक निरीक्षण। 6 करोड़ के शासकीय हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने की तैयारी लगभग पूरी, 1 व 2 दिन में कोविड सेंटर चालू करें। एक निजी और सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद सभी से जनसहयोग करने की अपील की। यह जग जाहिर है कि कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया है, जिसके सामने हमारा शासन प्रशासन की सभी सुविधाएं बोनी साबित हो रही है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो रही है और उसके आंकड़े भी आमजन को डराने लगे हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जिले भर में शासकीय अस्पतालों और निजी बड़े अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाने की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा है। सांसद अनिल फिरोजिया ने खाचरोद के शासकीय व निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें खाचरोद के पद्मावती और शासकीय हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कोविड सेंटर बनाने के पहले शासकीय अस्पतालों में स्टाफ की कमी फैली, असुविधाओं के सवाल पत्रकारों ने पूछे तो सांसद ने प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित कर रहे डॉक्टरों को उपलब्ध कराने की बात कही। कोविड सेंटर के पहले सभी सुविधाएं स्थापित करने का आश्वासन दिया। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार और डॉक्टर संजय पटेल को जनभागीदारी और हमारे सहयोग से खाचरोद में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए। सभी को मास्क सैनिटाइजर उपयोग की समझाइश देकर गए। मंडल अध्यक्ष चेतन शर्मा एवं भाजपा के कार्यकर्ता एवं प्रशासन विभाग से एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, तहसीलदार मधु नायक, एसडीओपी अरविंद सिंह, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय पटेल, डॉक्टर राहुल अहिरवार एवं नगर पालिका का अमला मौजूद रहा। सीआईडी न्यूज के लिए खाचरोद नागदा से मुरली दास बैरागी की रिपोर्ट। भाई साहब, कोरोना संक्रमित की मरीजों की संख्या में जहां एक और इजाफा हुआ है, वहीं मरीजों के मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है इस क्षेत्र में। आपने पिछले 15 दिन पहले खाचरोद दौरा किया था, जब आपने प्रशासन को स्ट्रिक्टली बताया था कि यहाँ पे खाचरोद सिविल अस्पताल में कोविड केयर चालू किया जाए, आज दिनांक तक चालू नहीं हो पाया। अभी सर कुछ समस्या है, उसका हमने अभी मैंने निर्देशित करा है, बहुत कुछ तो सॉल्व हो गई है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कल से ही यहाँ कोविड सेंटर चालू हो जाए, लेकिन मैं आज जो आया था तो हमारे सब हमारे अध्यक्ष भी है, हमारे मंडल अध्यक्ष सब है और व्यापारी वर्ग भी है और प्रशासन भी है, तो मैंने इनको एक ही सुझाव दिया है कि भाई जन भागीदारी से हमको यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़ेगा और हम लोगों को, समाज सेवियों को, उद्योगपति, व्यापारी सबको मोटिवेट करें कि जन भागीदारी जो है अस्पताल की रोगी कल्याण समिति उसमें दान करके, और आज से ही ये प्लानिंग करें कि इसको हम ऑक्सीजन सेंटर को, कि हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अभी तक ये स्थिति चल रही है कि हम उज्जैन के ऊपर डिपेंड है, कि हम केदर के ऊपर डिपेंड है, जिससे कि यहाँ पे लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उनकी व्यवस्था हमको ही करना पड़ेगी। तो सब लोग तैयार भी हुए हैं, बहुत जल्दी हम इसको इसका मूर्त रूप दे देंगे। और रही आपने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में विकराल रूप ले रहा है, हमने पहले ही निर्देशित, हमारे जिला प्रभारी मोहन यादव जी ने भी निर्देशित करा था, मैंने भी निर्देशित करा है कि गांव-गांव में सबके सैंपलिंग की जाए ताकि इस कोरोना को जड़ से निकाल दिया जाए। सर, अपन कोविड सेंटर यहाँ पर चालू कर रहे हैं, लेकिन सर स्टाफ की बहुत कमी है यहाँ पर। स्टाफ को लेके अभी आपने सीएचएमओ से बात की है, सीएचएमओ का जो जवाब था वो एक चुकाने वाला जवाब था, उनका ये कहना था कि आप आसपास से स्टाफ की जो पूर्ति है वो कर लीजिए। आपको भी मालूम है कि पूरे देश में विकराल रूप ले रखा है, तो जो भी नर्सें हैं या जो भी हमारा स्टाफ है, हमको इधर उधर से लाके और क्या यहाँ पे ऐसे एक बड़ा है, खाचरोद नगर पालिका है, बड़ा है, तो इसके लिए यहाँ पे इसको चालू करना है, आस पास से नर्सें लेकर नर्सिंग स्टाफ लाना पड़ेगा और इसको चालू करना। प्राइवेट चिकित्सक जो खाचरोद में इलाज करते हैं, क्या उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है यहाँ? बिल्कुल लगेगी, आप भी अगर आपके पास काम हो तो हमको दे दीजिए, हम उन लोगों को भी वो कर रहे हैं कि भाई आपको भी सेवा देना है, क्योंकि ये आपदा पूरे देश में आई हुई है। और दूसरा तो एक मिलजुल डरना नहीं है, लड़ना है और डर के कर